हल्दी की चाय बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत आसानी से बन जाती है। यू नीड सम वाटर, पानी उबाल लीजिए सही तरीके से। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास हल्दी है, ये कोल्ड प्रेस्ड, कोल्ड ग्राउंडेड ऑर्गेनिक हल्दी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। और यहां हम इस्तेमाल करने वाले हैं तुलसी का अर्क। जी हाँ, 5 तरीके की तुलसी का अर्क है ये। ये टेस्ट को भी एनहांस करता है, साथ ही साथ ये आपके बॉडी को रिलैक्स करने में, स्ट्रेस फ्री करने में काफी ज्यादा लाभदायक होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको थोड़ी सी हल्दी पानी में ऐड कर लेनी है, अच्छे तरीके से इसको उबालना है, और उबालने के बाद आपको इसको अपने ग्लास में डाल के पी लेना है। और ये लीजिए, हमारी हल्दी की चाय तैयार है। इसको हम ग्लास में डाल लेंगे। और ये हो गई हमारी तैयार हल्दी की चाय, टर्मरिक टी, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके की हल्दी का इस्तेमाल करना है या किस तरीके की तुलसी के अर्क का इस्तेमाल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स डाल रखे हैं इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। हमने कोल्ड ग्राउंडेड टर्मरिक का इस्तेमाल किया है और हमने पंच तुलसी अर्क का इस्तेमाल किया है। ये 5 तरीके की तुलसी से बनाया जाता है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जो हमने टर्मरिक टी बनाई है उसमें हमने ऐड किया है तुलसी। इसका रीजन ये है कि आप थक जाते हैं पूरे दिन में, आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, और तुलसी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपकी विजन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ओवरऑल आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। टर्मरिक यानी हल्दी एक ऐसी स्पाइस है जो इंडिया में हर किचन में मिलती है। जी हाँ, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में हो चाहे साउथ इंडिया में, आपके खाने में हल्दी जरूर पड़ती होगी, जरूर डाली जाती होगी। और अगर आपको बचपन में चोट लगी होगी तो आपकी मदर ने आपको जरूर हल्दी का दूध पिलाया ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसमें बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंड व्हाट नॉट, इट हैज सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। और हल्दी के कितने सारी होम रेमेडीज हैं जिनको आप बचपन से ही देख रहे होंगे, चाहे वो चोट हो उस पे लगाना हो, आपको पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो उसमें हल्दी का सेवन करा हो आपने, या आपको घर वालों ने बोला हो कि दूध में हल्दी डाल के पी लो, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। और आज हमने बनाई है टर्मरिक टी। आप रेगुलर चाय पीते हैं उसकी जगह अगर आप टर्मरिक टी पीते हैं तो इसमें होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन होता है एक एंटीऑक्सीडेंट। अब आप सोचिए कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या हो सकता है, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो आप एक बेटर चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सो दैट आपके शरीर में जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रही है उसको आप क्योर कर सकें। अगर हम देखें टर्मरिक के बेनिफिट्स के बारे में, तो ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पेट में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। और अगर आप अपने शरीर की इन्फ्लेमेशन कम कर लेते हैं तो ये आपकी मदद करेगा वेट लॉस करने में भी, क्योंकि ओबेसिटी जो होती है, मोटापा, ये भी एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, और हल्दी मदद करता है आपके फैट टिश्यूज की ग्रोथ को सप्रेस करने में। तो सोचिए, अगर आप अपनी रेगुलर चाय से टर्मरिक टी पे आ जाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि टर्मरिक टी एक सब्स्टिट्यूट है एक्सरसाइज और डाइट का, बट आपके लिए ये मदद करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप 2000 कैलोरीज की डाइट फॉलो करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे को दिन में कैलोरीज बर्न करनी है, तो आपको थोड़ा सा कैलोरी डिफिसिट होना पड़ेगा। आपको 1750 कैलोरीज इंटेक करनी पड़ेंगी सो दैट आप बर्न ज्यादा करें और खाएं कम। इस तरीके की कोई डाइट प्लान अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। वो आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट्स को लेके, और अगर आपको कोई भी क्रॉनिक हेल्थ डिजीज है तो भी वो आपकी मदद करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप इंजॉय कीजिए अपनी तुलसी और हल्दी की चाय।